हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको एस क्रॉस में डीजल वेरिएंट है जो उसमें मैं दिखाने वाला हूँ कितने आरपीएम में गाड़ी चलानी है और कौन से गियर शिफ्ट रखना है आपने। अभी मैं ऐसी लोकेशन में हूँ जहाँ टू वे लेन है और आपका देख सकते हैं ट्रैफिक आ भी रहा है और मैं यहाँ से इस तरह से जा भी रहा हूँ लेफ्ट लेन लेते हुए। तो यहाँ पे अभी मैंने सेकेंड गियर लगा लिया है जो कि 1500 आरपीएम पे मैंने शिफ्टिंग की है। इस लोकेशन पे मुझे अप शिफ्ट करना बहुत ध्यान से करना होगा, बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ये जो डीजल वेरिएंट होता है इसका टॉर्क बहुत जबरदस्त होता है। आप हल्का सा एक्सीलेटर देंगे तो कार अच्छे से मूव हो सकती है, और स्पेशली आप हिल स्टेशन में अगर ड्राइव करते हैं या किसी स्लोप वाली लोकेशन में ड्राइव करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा डीजल वेरियंट चलता है, जस्ट बिकॉज उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है। तो आप फर्स्ट गियर में अगर पुट करते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छे से स्मूथली ऊपर चढ़ती है। अभी मैंने जैसे डाउन शिफ्ट किया, आगे से आप देख सकते हैं बस आ रही है, तो मुझे कंट्रोल रखना था अपनी कार में। अभी फ्रेंड सेकंड गियर में ही हूँ मैं और 1000 आरपीएम में मेरी कार है। मुझे क्लच का यूज ज्यादा लेना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि 1000 आरपीएम में आ गई है कार, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आगे मेरे कार साइकिल चल रही है। गलती से मैंने क्रूज दबा लिया था, क्रूज कंट्रोल में चली गई कार। फ्रेंड्स यहाँ पे तो अब शिफ्ट नहीं कर सकेंगे, सेकंड गियर में ही मैं ड्राइव करूंगा इस कार को यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली। तो अब यहाँ पे गियर शिफ्ट जो मैं बताने वाला था फ्रेंड्स आपको कि मैं डाउन शिफ्ट जब करता हूँ, थर्ड गियर से मैंने सेकंड गियर लगाया, मेरे को जब रिक्वायरमेंट लगेगी कि स्पीड डाउन करनी है मुझे तो मैं एक्सीलेटर को पूरा कंप्लीट छोड़ दूंगा और डाउन शिफ्ट कर लूंगा। अभी जैसे डाउन शिफ्ट किया मैंने फर्स्ट गियर में क्योंकि मेरी कार ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी और मेरे कार का इंजन जो है आरपीएम 1000 से जस्ट नीचे आ गया था। ये डीजल इंजन है इसलिए 900 आरपीएम या 1000 आरपीएम में इसका आइडल है। तो अभी रोड बहुत खराब है इसलिए मैं क्या फर्स्ट गियर में कार को रखा हुआ हूँ। फ्रेंड्स इस लोकेशन में आप देख सकते हैं किस तरह से जजमेंट भी जरूरत पड़ता है, तो बहुत ही नैरो सी रोड है। इतनी सी जगह में कार निकालने के लिए मुझे दोनों साइड का जजमेंट लेना होगा, ये देखिए लेफ्ट का भी और राइट का भी। तो जजमेंट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ये स्पेशली जो कि क्लच यूज की होने वाली है वीडियो और साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग की। तो अभी मैं सेकेंड गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टर्निंग है और लोकेशन जो टाइट है और आसपास आप देख सकते हैं जो छोटे व्हीकल्स भी आ रहे हैं पीछे से, तो मुझे स्लो मूवमेंट में ही रखना है क्योंकि टर्निंग है। साथ ही साथ मुझे ब्रेक पे भी अपने कंट्रोल रखना है और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मुझे फर्स्ट गियर यूज करना पड़ेगा, अभी जैसे सेकंड गियर में हूँ मैं। अब मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं, मैं क्लच का यूज बहुत कम ले रहा हूँ जिसमें कि टर्निंग है और लोग भी आ रहे हैं बीच में, उसके बावजूद मुझे क्लच की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ रही है। हालांकि मैं अभी तक यूज नहीं किया हूँ, मेरे को डाउन शिफ्ट जब करना पड़ेगा तो मैं यूज करूंगा क्लच का अपना। क्लच अगर यूज करें तो फुल प्रेस करें फ्रेंड्स, क्लच को हाफ कभी भी यूज नहीं करें। ये देखिए स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे फर्स्ट गियर लेना था क्योंकि स्टीप था स्पीड ब्रेकर। स्मूथ ड्राइव करने के लिए आपको स्पीड ब्रेकर में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट गियर में ही रखना होता है। तो आप किसी भी गियर में हो, जैसे अभी मैं सेकेंड गियर में हूँ तो मुझे गियर शिफ्ट करना होगा, पहले मैं ब्रेक अप्लाई किया फिर ये स्पीड ब्रेकर, जैसे ही अप्रोच हुआ मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। फिर आप देखिए क्लच को मैंने रिलीज किया बड़े आराम से, अब वापस से मैंने सेकंड गियर पुट कर दिया है क्लच फुल प्रेस करके, हाफ क्लच में नहीं। अभी फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, स्टीप है तो फिर से मैं क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस किया हूँ। ये देखिए अभी फर्स्ट गियर में बड़े स्मूथली मैंने फ्रंट व्हील निकाला है, उसके बाद सेकेंड व्हील को भी। अभी यहाँ जजमेंट की जरूरत है मुझे, ये स्पीड ब्रेकर जो था बहुत ज्यादा स्टीप नहीं था। तो फ्रेंड्स मैंने सेकंड गियर में
सिर्फ हल्की सी ब्रेक प्रेस करके ही अपनी कार को आगे बढ़ा ली है। मुझे फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत स्टीप नहीं था। अब जैसे ये स्टीप है, तो ये जजमेंट आप कैसे ले सकते हैं कि स्टीप है कि नहीं, आपको डाउन शिफ्ट करना है कि नहीं गियर? आपको दूर से उसके जो स्पीड ब्रेकर है उसकी हाइट देख के समझ में आना चाहिए कि कितना स्टीप हो सकता है। हाइट अगर ज़्यादा होगी तो आपको फर्स्ट गियर लगाना होगा, अगर स्लोप सा होगा तो आप सेकंड गियर में भी लेकिन स्पीड स्लो में निकाल सकते हैं। स्पीड हाई में निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बम्प होगा और आपके साथ जो बैठे होंगे उनको परेशानी होगी, ऐसा लगेगा कि आप अनट्रेन ड्राइवर हैं। अभी मैंने कार को एक कंप्लीट स्टॉप कर लिया क्योंकि सामने से जो कार आ रही थी उनके लिए स्पेस नहीं थी, उन्होंने डिपर दिया था। डिपर ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डिपर प्रेस करते हैं तो सामने वाली कार को या तो आप ओवरटेक लेने के लिए बोलते हैं या फिर अपनी स्पेस बनाने के लिए बोलते हैं। स्पेशली टू वे लेन में डिपर अगर आप देते हैं तो आप स्पेस बनाने के लिए बोलते हैं, और रात में अगर डिपर देते हैं तो आप हाई बीम, उसको सामने से जो कार आ रही है हाई बीम लो करने के लिए देते हैं। डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट यूज होता है इसका, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। अभी स्पेशली गियर शिफ्टिंग की है तो अभी आप, मैंने थर्ड गियर पुट कर लिया था क्योंकि ये ओपन स्पेस थोड़ी सी लगी मेरे को काली सी। अब मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाइक आगे स्लो हो गई है। ये देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने सेकंड गियर, तो ये मैं कब कर रहा हूँ, मैं 2000 RPM में ले जा रहा हूँ अपनी कार को, मेरे को स्पेस मिल रही है तो मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ या कार को अपनी स्लो कर रहा हूँ, और मुझे कार के इंजन की नॉइज से भी आप बता सकते हैं अदर देन डेट अगर RPM नहीं है तो, और अगर RPM है तो आप चेक करेंगे, अगर 1000 RPM में अपनी कार आ जाती है और स्पीड जो है आपकी लोअर गियर में आ जाता है, सपोज मैं थर्ड गियर में हूँ और मेरे कार की स्पीड 30 है, तो अगर मैं 20 की स्पीड में आ जाता हूँ तो मैं सेकेंड गियर में आ जाऊंगा, और 20 से भी लो जाऊंगा तो मैं फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप गियर डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अभी मैं 1500 RPM में हूँ, मैं अप शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि 20 की स्पीड में हूँ और मेरे पास टर्निंग आ रही है, तो मैं अगर यहाँ पे अपशिफ्ट करता हूँ तो साथ ही साथ मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है क्योंकि टर्निंग है। मुझे रेडियस अपना अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि कितने रेडियस में मेरी कार टर्न होगी, और आगे से कोई ट्रैफिक आ रहा होगा तो उसका भी मुझे ध्यान देना है, तो मैं अपशिफ्ट नहीं करूंगा उसमें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितनी सी जगह है, आई होप कार निकल जाएगी। राइट साइड में बहुत बड़ा सा एक पत्थर पड़ा है जिसका मुझे जजमेंट अपने राइट व्हील से लेना है, जो कि राइट व्हील्स का जजमेंट या लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा किस तरह से मैं जजमेंट लेता हूँ। उसी तरह से उसी टेक्निक से मैंने अभी ये जजमेंट करके निकाला है अपनी कार को। ये है तो सिटी में लेकिन आपको देख के लगेगा कि कोई विलेज सी लोकेशन है और आउटर कोई लोकेशन है कि कहीं की। तो ये लोकेशन वैसी है जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई विलेज के जैसे रोड होते हैं, टू वे लेन जैसे, या स्टेट हाईवे भी कह सकते हैं इसको। स्टेट हाईवे में भी सिमिलर सा ही रोड रहता है लेकिन साइनेज बहुत अच्छी होती है, वही ये लीड करेगा, ये आगे जाके स्टेट हाईवे में कनेक्ट करने वाला है। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी स्टीप्स और इतनी टर्निंग है यहाँ पे कि हमें हर जगह हर लोकेशन पे मुझे गियर शिफ्ट सोच समझ के करना है। अभी देखिए जैसे हल्की सी टर्न है, मैं थर्ड गियर में ही रखा हूँ क्योंकि मुझे सामने से क्लियर व्यू दिख रहा है। अभी स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने सेकेंड गियर कर लिया। तो ये गियर शिफ्टिंग का वीडियो मैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ फ्रेंड्स की टर्निंग है तो आपको अचानक से मतलब अप शिफ्ट भी करना पड़ सकता है, और एकदम से कुछ आ जाता है टर्निंग के आपको दिखता है कि कुछ, तो आपको डाउन शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो अभी मेरे पीछे टू व्हीलर्स हैं, वो उनको जाने की लोकेशन दे देता हूँ, मैं स्पेस उनका दे दूँ। मेरे पास आगे बहुत ही खराब था रास्ता ये वाला, फ्रेंड्स अभी सेकंड गियर से मैंने थर्ड गियर पुट कर लिया क्योंकि टर्निंग थी, स्टिल मेरे को क्लियर व्यू था क्योंकि टर्निंग के बाद जो है मेरे मेरे को क्लियर व्यू दिख रहा था वहां से कि कोई ट्रैफिक नहीं है या कोई भी कन्वेंस या कोई दूसरा भी बंदा नहीं खड़ा है, इसलिए मैंने अपशिफ्ट कर दिया था। अभी जैसे ये टर्निंग से मुझे क्लियर व्यू नहीं आ रहा है कि मैं अपशिफ्ट करूं क्योंकि ये बीच में एक वॉल सा है और एक बड़ा ट्री है, तो मैं अपशिफ्ट नहीं करूंगा। मैं टर्निंग लेने के बाद
अब जैसे थोड़ा सा आरपीएम मैंने इंक्रीज कर लिया, मेरे कार की इंक्रीज हो गई स्पीड, 30 अप्रॉक्स आ गई, फिर से टर्निंग आ गई है, लेकिन मैं अपशिफ्ट नहीं करूंगा इससे। अगर अभी अपशिफ्ट करता हूँ तो मुझे डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा साथ ही साथ, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे कार की माइलेज ड्रॉप होती जाएगी। जितनी बार मैं अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करता रहूंगा उतनी बार मेरी माइलेज ड्रॉप होगी। लेकिन इस चीज का ऐसा मतलब नहीं है आप एक ही गियर में चलाते रहेंगे, जहां रिक्वायरमेंट है आपको स्पीड लेने की तो आपको अपशिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपशिफ्ट करते हैं और स्पीड में लेते हैं अपनी कार को तो आपकी माइलेज ऑप्टिमम आ जाती है उसमें, आपको फिर माइलेज की चिंता नहीं करनी होती। अभी जैसे देखिए टर्निंग आ रही है, मैंने अभी भी अपशिफ्ट नहीं किया, और जैसे टर्निंग लेने के बाद मुझे क्लियर रोड दिख रहा है, जैसे अभी देखिए ये लेफ्ट से राइट मैंने टर्न लिया, जिगजैग टर्न था, अभी मुझे ये साइकिल के बाद क्लियर रोड आगे दिख रहा है पूरा। मैंने 2000 आरपीएम में चेंज किया अपना सेकंड गियर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में आपको टॉर्क अच्छी मिलती है, तो आप 2000 आरपीएम में जाके अगर चेंज करते हैं तो नेक्स्ट जब गियर आप लगाएंगे उसमें आपका जो रिकवर हो जाएगा, जो माइलेज आपकी लोएस्ट गियर में हिट हुई है, और टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से आपकी पावर मिल जाती है आपके इंजन को बहुत अच्छी हाई आरपीएम में। इसलिए डीजल इंजन में आप देखिएगा, जो कि पेट्रोल इंजन में 9000 आरपीएम रहता है इंजन का जो रनिंग है रोटेशन पर मिनट, वो अगर 9000 अगर पेट्रोल इंजन में होता है तो 6 या 7000 डीजल इंजन में होता है। तो इस वजह से क्या आपको थोड़ा सा हाई आरपीएम रखना पड़ता है जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं। अगर आप पेट्रोल इंजन में 1500 में करते हैं तो आपको डीजल इंजन में अप्रॉक्स 2000 आरपीएम में गियर शिफ्ट करना होगा, अप शिफ्ट जो कि कह सकते हैं। मैं अपशिफ्ट करते करते रुक गया क्योंकि आगे मुझे थोड़ा सा लगा ऐसा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन ऐसी नहीं थी कि मैं पिकअप ले सकूं। रोड आगे खराब है इस वजह से मैं अपशिफ्ट फिर से नहीं करूंगा, मैं सेकंड गियर में ही स्लोली निकालूंगा, क्योंकि रोड यहाँ आगे ढूंढा है, प्रॉपर रोड नहीं है यहाँ पे। ड्राइविंग करते वक्त इस चीज का भी आपने ध्यान देना है, अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट अपने रोड के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी करनी है। रोड अगर सही है, कंडीशन रोड की अच्छी है तो ही आप अपशिफ्ट करें, और स्पेस हो आपको आपके पास, अगर जैसे आगे आपको दिख रहा है कि आप स्पेस स्पीड ले सकते हैं तभी आप डाउनशिफ्ट करें। जैसे टर्निंग आ गई, मेरी कार एकदम स्लो हो गई थी और 1000 आरपीएम में आ गया था, 20 से नीचे आ गई थी कार, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया। यहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं, इतनी टर्निंग है, इसलिए मुझे गियर शिफ्टिंग ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, और क्लच का यूज कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि अप शिफ्ट में भी क्लच कम्प्लीट प्रेस कर रहा हूँ और डाउनशिफ्ट करते समय भी मुझे क्लच को पूरा यूज लेना पड़ रहा है। अदर दैट मैं क्लच को नहीं प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत जन है कि क्लच को प्रेस कर देते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो चीज ना करें फ्रेंड्स, उससे आपके क्लच प्लेट में आप जाने अनजाने में बेकार सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने क्लच प्लेट पे, जब रिक्वायरमेंट हो तभी प्रेस करें। अभी मैं सेकेंड गियर में ही मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया, देखा किस तरह से टर्निंग में बाइक इस तरह स्पीड में टर्न लेके आ रही थी, हॉर्न लगाने के बाद भी उन्होंने बाइक को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पास में होता तो ये एक्सीडेंट जोन हो जाता था। टर्निंग में आप बहुत ध्यान दें, तो जैसे कि माइलेज की भी बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, इसमें अगर आप अपनी कार का गियर शिफ्ट अगर करते हैं और सही टाइमिंग में करते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइलेज अपनी कार से मिलेगी, कार के इंजन से मिलेगी। जो कंपनी क्लेम करती है वो ओपन स्पेस में करती है और
उनको ऐसा होता है कि आप 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर गाड़ी चला के ही उन्होंने जजमेंट लेना होता है कि हाँ माइलेज इतनी अपनी आपकी कार अप्रॉक्स दे देगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिफ्थ गियर तक ले आते हैं। उसके बाद बड़े आराम से एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं और ओपन स्पेस में अपनी कार की टेस्टिंग करते हैं। तो वो टेस्टिंग होने के बाद अगर आप माइलेज चेक करेंगे तो वो हाई ही रहेगी। अकॉर्डिंग मैंने अपने होंडा सिटी में भी माइलेज की एक टेस्टिंग की थी, तो मेरे को 23 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज आई थी। वेयरएज कंपनी जो कमिट करती है वो 20 किलोमीटर पर आवर की 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कमिट किया था, तो मैंने 23 निकाली थी, वो भी 10-12 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में ही। तो माइलेज निकालना ऐसा है कि आप जितनी आराम से चलाएंगे, जितना स्विफ्टली अपना गियर शिफ्ट करेंगे और ऑप्टिमम जितनी स्पीड में रिक्वायरमेंट है हर गियर को शिफ्ट करना, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे तो आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। और जो कि डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में माइलेज अच्छी आती है। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे देखिए मेरे पास जगह ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे कार स्टॉप करके फर्स्ट गियर में लेना पड़ा। अभी हम एक स्टेट हाईवे में कनेक्ट कर रहे हैं अभी। यहाँ से टी टर्निंग है इसलिए मैंने सेकंड गियर में रखा अपनी कार को। फ्रेंड्स जहाँ से निकले हैं वहाँ एक छोटी सी लेन थी, अब ये स्टेट हाईवे है जहाँ पे बस का भी रूट है और ऑलमोस्ट सारी व्हीकल चलती हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी आ रही है, साथ ही साथ मुझे स्पीड ब्रेकर भी मिलेगा और मुझे ऐसी लोकेशन है जो कि आप कहीं से भी कोई भी व्हीकल्स निकल सकती है, आसपास में कनेक्शन है छोटी लेन से। मेरा मुझे साइनेज मिला, यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले जिस लेन में ड्राइव कर रहा था वहाँ कोई साइनेज नहीं था कि आगे क्या है, टर्निंग किस तरह से है, वेयरएज यहाँ पे साइनेज मिलेगा क्योंकि ये स्टेट हाईवे है। आगे चल के आपको लोकेशन दिखाता हूँ, साइनेज भी दिखेगा। साइनेज को कैसे समझना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं। थर्ड गियर में मैंने 50 की स्पीड ले ली थी और सामने से व्हीकल्स आ रही है और साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर है, तो मुझे कार को अपनी कंट्रोल करके सेकंड गियर में मैंने अपनी कार को स्पीड ब्रेकर से क्रॉस कराया क्योंकि स्पीड ब्रेकर स्टीप नहीं था। आगे वाला थोड़ा सा स्टीप है लेकिन मेरी कार की स्पीड जो है 10 से नीचे आ गई, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया। आपने मेरा फुट मूवमेंट और गियर शिफ्टिंग नोटिस किया होगा। इनफैक्ट थर्ड गियर से सेकंड गियर शिफ्ट करते समय भी मुझे ब्रेक अप्लाई करके पहले अपनी कार को उस स्पीड में लाना होता है जो सेकंड गियर के लिए अकॉर्डिंग है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट गियर चलाता हूँ तो 15 या 20 की स्पीड में रहती है मेरी कार। उसके बाद मैं सेकेंड गियर कर लेता हूँ और थर्ड गियर मैं अप्लाई करता हूँ सेकेंड गियर से, जो अपशिफ्ट थर्ड गियर का करता हूँ वो मैं करता हूँ 30 की स्पीड के अप्रॉक्स। 30 जैसे ही क्रॉस होती है मैं थर्ड गियर कर लेता हूँ और 45 से 50 की स्पीड में मैं फोर्थ गियर अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ये फिफ्थ 5 गियर का गियर बॉक्स है तो अकॉर्डिंगली मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ। 1500 सीसी की कार है ये, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो लोएस्ट स्पीड रहती है गियर की, सपोज मैं थर्ड गियर में हूँ और मेरी कार
20 की स्पीड आ जाती है तो मुझे सेकेंड गियर डाउन शिफ्ट करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं गियर और आरपीएम का ध्यान देते हैं। आरपीएम अगर हाई होता है तो हमें डाउन शिफ्ट करने की नीड नहीं होती है उस समय, और अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तब आपको डाउन शिफ्ट करना होता है क्योंकि आरपीएम भी डाउन आ जाता है। तो फ्रेंड गियर शिफ्टिंग के रिलेटेड आपको ये वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी किस तरह से हमें शिफ्टिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।